रामपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में टोपी ओढ़ा एक शख्स अपनी माँ और बहन के साथ खड़ा है और वे वीडियो में आरोप लगा रहा है कि उसकी बहन को हिंदू संगठनों ने अगवा कर लिया और पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही। आइए पहले देखते हैं इस वीडियो, फिर जानेंगे वीडियो के बाद इस वीडियो की सच्चाई। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मेरा नाम नदीम अहमद है। मैं उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला तहसील शवाद का रहने वाला हूँ। मेरी 5 बहनें हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है और 2 भाई हैं। मेरा छोटा भाई जो है वो अस्पताल में एडमिट है और मेरी जो छोटी बहन है उसका नाम महक है, सबसे छोटी सगी बहन है मेरी, वो उसको जो है हिंदू संगठनों ने अगवा कर लिया है और वो ना तो हमें उससे मिलने दे रहा है ना हमारी बात करा रहा है। और जब हम उनसे बोल रहे हैं तो वो कह रहा है ये तो हिंदू ही मुसलमान है ही नहीं, तुमने इसको मुसलमान बना रहे हो। और हमारी पुलिस भी कोई सुनवाई नहीं कर रही, हमें एसपी साहब के पास गए उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं करी और आईजी डीआईजी साहब सबके पास हमने कॉल करी, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और मेरे पास उसके मेरी बहन के सारे डॉक्यूमेंट्स 1 से लेकर 10 तक के मौजूद हैं सर। देखो ये सारे आधार कार्ड पैन कार्ड मार्कशीट वगैरह सब कुछ है और उल्टा हमें धमकाया जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है तुम्हें उल्टे केस में फंसा देंगे, बंद कर देंगे तुम्हें। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमें पुलिस हमारे घर पे पहुंच पहुंच के परेशान कर रही है। हम बहुत परेशान हैं साहब, हमारी कोई मदद कर सकते हो तो करो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मदद करो। मेरे नंबर पर फ़ोन करके मेरी मदद कर सकते हो तो करो। मेरा नंबर 8010-2544 मुसलमान को हिंदू बनाया जा रही है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मेरी मदद करो जितनी हो सके। वीडियो वायरल करने वाला शख्स नदीम है। नदीम से जब हमने बात की तो उसने बताया कि उसकी छोटी बहन महक शहर में काम सीखने आती थी, तभी मनोज सक्सेना और सचिन शर्मा नाम के व्यक्तियों ने सरकारी नौकरी का वादा किया और उसे अपने पास बुला लिया। जब महक घर वापस ना आई तो परिवार ने उसकी खोजबीन शुरू की तो पता चला कि महक का नाम बदल कर आर्या अग्रवाल कर दी गया है और फोन पर भी उससे बात हो पाई लेकिन लड़की से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन पुलिस से जब मदद मांगी तो पुलिस ने कोई मदद नहीं की। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की मार्कशीट में महक की उम्र 5 अप्रैल 2004 लिखी हुई है। वहीं पुलिस ने बताया कि शहबाद से लड़की के अपहरण की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई है। लड़की ने भी ये शिकायत की है कि उसका जबरन निकाह कराना चाहते हैं, इस पर भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने लड़की की मां द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर धारा 363, 366, 504, 506 आईपीसी में व 16/17 पोस्को एक्ट बनाम मनोज सक्सेना सहित 3 पर मुकदमा दर्ज किया है और लड़की द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र उसका अमीर अहमद द्वारा जबरदस्ती निकाह कराने व फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कराने के संबंध में मुकदमा धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है। क्या नाम है भाई साहब का? मेरा नाम नदीम अहमद है। क्या हुआ था पूरा मामला बताइए। सर हम लोग सवाद के रहने वाले हैं। हमारी 2 सिस्टर आती थी रामपुर, जिसमें बड़ी सिस्टर का नाम शबली है, वो जियो केयर में जॉब करती थी, जियो कंपनी में, और छोटी सिस्टर जो थी वो एमआई केयर में काम सीखने के लिए सीखती थी इनको। उसके बाद वो काम सीखते सीखते उसे 20-25 दिन हो गए थे तो फिर वो सचिन वहाँ से गौरी टोरेंट ट्रेवल्स हैं, उनके मालिक मनोज सक्सेना हैं और उनके साथी हैं एक सचिन शर्मा, उनके कांटेक्ट में कैसे आई कैसे नहीं आई हमें मालूम नहीं। सर उन्होंने उसको बोला कि हमारे यहाँ पे जॉब कर ले, हमारे यहाँ मतलब काम सीख लो, हम तुम्हें सरकारी नौकरी दिला देंगे। उसको नौकरी का झांसा दे के अपने यहाँ ले आए। वो 3-4 दिन उनके जाते रहे सर। उसके बाद सर उसका नाम बदल कर वो जब वो 29 तारीख को घर नहीं पहुँची सर, तो हमने तलाश किया सर 30 तारीख तक सुबह तक हमने तलाश किया। उसके बाद हमें कहीं मालूम पता नहीं लगा तो सर हम गौरी टोरेंट ट्रेवल्स पहुँचे। उसके बाद जब हमने उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने बोला यहाँ तो महक नाम की कोई लड़की है ही नहीं। फिर सर हमने फ़ोटो दिखाया तो बोले ये तो आर्या अग्रवाल है। तो हमने कहा नहीं ये तो आर्या अग्रवाल नहीं है। बोले नहीं ये तो आर्या अग्रवाल है उन्होंने बोला। फिर हमने बोला कि हमारी सिस्टर आपके यहाँ से गायब हुई है। बोले नहीं। फिर उन्होंने हमारी बात भी कराई उससे, उन्होंने सचिन शर्मा के पास फ़ोन करा, सचिन शर्मा ने उसकी बात मनोज सक्सेना के फ़ोन पर कराई उनसे, उसे धमका कर कराई किस तरह से कराई। सर एक अपहरण से संबंधित को मामला संज्ञान में आया है,
तो क्या है पूरा मामला सर थोड़ा? हाँ, शाहबाद से एक तहरीर आई है जिसमें कहा गया है कि हमारी लड़की का कुछ लोगों ने अपहरण कर रखा है। उनकी तहरीर पर मुकदमा काम किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ से लड़की ने भी एक प्रार्थना पत्र दिया है, तहरीर दिया है कि ये लोग मेरा ज़बरदस्ती निकाह कराना चाहते हैं। उस पर भी मामला पंजीकृत कर लिया गया है और लड़की इस टाइम पुलिस के कब्जे में है, उसमें आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है।